यह प्रदर्शन 12 फरवरी 2018 को सुबह 11 बजे होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से यह आज 17 फरवरी को किया जा रहा है नेहरू पार्क गेट पर। और यह युवा इनेलो नेता रोगी सागवान जी की तरफ से और इनेलो समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है पकोड़ा, प्रधानमंत्री पकोड़ा रोजगार मेला, जिसमें डिग्री धारक युवक पहुँचे हैं जिन्हें जॉब नहीं मिली या बीजेपी देख रहे हैं कि जो हमारे शहर का मेन जगह है नेहरू पार्क, यहाँ पर आप सभी युवाओं के द्वारा पकोड़े की रेडी लगाई गई है और आप खुद पकोड़े चलते, तो क्या वजह क्या है? देखिए, भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी अब सारी दुनिया, सारे युवा, हर वर्ग प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। अब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अभद्र टिप्पणी करी है, इतना बेहुदा और अनएक्सपेक्टेड बयान दिया है कि जो भी युवा पढ़ा लिखा है और उसके पास डिग्री है, चाहे वो बीटेक की डिग्री है, चाहे वो पीएचडी कर रहा है, चाहे उसने लॉ करी है, अगर वो पकोड़े बेचता है तो वो रोजगार की श्रेणी में आता है। तो ये बात हमारे युवाओं को और भारतवर्ष के एक एक नागरिक को हजम नहीं हुई। तो वो कहावत है कि जहाँ का राजा व्यापारी, वहाँ की प्रजा भिखारी, आज वो नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ चार चार पाँच पाँच साल से डिग्रियाँ हाथ में लिए घूम रहे हैं मेरे साथी, और आज वो पकौड़ा बेचने पर मजबूर हो गए हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करे, विदेश में नौकरी करे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50-50, 60-60 किले के जिम्मेदारों के लड़के भी आज पकौड़ा तलने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ हमारे साथ साथी डॉक्टर भी हैं जो आज अपनी डिग्री को केवल और केवल घर में सजा कर रखने के बाद ये पकोड़े बेचने का काम कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो आपका जो प्रदर्शन है मौजूदा सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम यमुनानगर जिले के हर व्यक्ति को ये बात दिखाना चाहते हैं कि आपने वोट डालकर प्रधानमंत्री को मौका दिया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे जिले के चारों कोने पर, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो नलवी नहर से लेकर किसानों का मुद्दा हो, ये बात मैं संभव मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने हमारी मांगों को नहीं मानना, फिर भी हमने उनके किए इशारे पर चलना है। और जो मेरे जो साथी हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको ये रोजगार का जो धंधा मोदी जी ने दिया है उसको, उसी के भरोसे पर हमने चलना है। क्या लगता है सर, ये पकोड़ा, प्रधानमंत्री पकोड़ा रोजगार मेला कितना कारगर साबित होगा सरकार की आंखें खोलने के लिए? देखिए, हमने अपना कर्म करना है और आज देश का युवा मजबूर हो गया है पकोड़ा बेचने पर। अब ये नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी सरकार के, हर विधायक की, हर सांसद की सोच बता सकती है कि वो हम युवाओं की तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे। इस बात की अभी हम श्योरिटी नहीं दे सकते, हमने अपना कर्म करना है। पूरे भारत में पकोड़ा रोजगार मेला ऐसे कई आयोजन हो चुके हैं पहले भी, और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधा गया। हमारे यमुनानगर जिले का कहें तो ये पहला प्रदर्शन होगा जो कि प्रधानमंत्री पकोड़ा रोजगार मेला, और ये 12 तारीख को होने वाला था, मौसम की वजह से, खराबी की वजह से इसको आज किया जा रहा है। इतने युवा हैं आपके साथ, आप युवा नेता हैं इनेलो के यमुनानगर से, तो आपको क्या लगता है युवाओं की समस्या जो ये रोजगार की है कैसे सुलझेगी? देखिए, आज हर युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर ही पूरे प्रदेश के कार्यक्रमों को देखा जा सकता है। तो मैंने 5 फरवरी को अपनी FB अकाउंट पे एक पोस्ट डाली थी, प्रधानमंत्री पकोड़ा रोजगार मेला, जिसका मैंने टाइम 1 हफ्ते का लिया था, और 1 हफ्ते के बाद
जब 12 तारीख को हमने टाइम रखा तो मौसम की खराबी की वजह से हम इसे डिले करने पर मजबूर हो गए। तो हम समझते हैं कि देरी भले हो जाए, लेकिन हमारे जो युवा दूर दूर से आज डिग्रियों के साथ पहुंचे हैं, हम लोगों को दिखा सकते हैं कि आज इस बीजेपी सरकार के शासनकाल में हर युवा कितना बेरोजगार और दर बदर भटक रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर युवाओं ने डिग्रियाँ तक हाथ में ली हुई हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, और काफ़ी बड़ी संख्या में युवा हैं हमारे चारों तरफ, और यहाँ पर पकौड़े बेचकर प्रदर्शन किया जा रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात